तो राम राम सीताराम सबको। तो आज चोरी बाहर निकल गई है, जो पहले दिन पानी दिया था, सबसे पहले जिसको पानी पिलाया था वो बाहर निकल गई है। और आम इस साल नहीं आए हैं, थोड़े थोड़े ही आए हैं, पूरे आम खाली है। वरना हर साल इस समय तो पूरे आम में आम लग चुकी होती है, आम से फूल भर गए होते हैं। भी यहाँ किसी किसी में थोड़े थोड़े ही आम आए हैं, वो भी ऊपर, नीचे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इसमें एक में है थोड़े से, वो भी जड़ जाते हैं। मौसम काफी खराब रहा है इस साल, और एक दो जगह पे इसमें आए हैं, बाकी पूरा खाली है। ये केसर है और ये जमादार है, इसमें भी थोड़े थोड़े, अब कितने लगेंगे आम वो पता नहीं। मोर आया है, क्योंकि मौसम खराब रहता है तब फूल जो होते हैं वो गिर जाते हैं, जड़ जाते हैं। और ये है चोरी, फिर 2-3 दिन तक ये बाहर निकलेगी। फिर निकल रही है, कुछ निकल गई है चोरी। यहाँ साइड में दूसरी निकल रही है, ये यहाँ पे है, देखिए। ये पूरी तरह बाहर निकल गई है, ये भी निकल रही है, ये दोपहर तक सीधा हो जाएगा, वो भी टेढ़ा है। ये पहले दिन सबसे पहले पानी पिलाया था इसमें, और मैं और करण गाजर लेने के लिए आए हैं। अभी आधे की खुदाई हुई है, आधे की दोपहर के बाद ट्रैक्टर से करेंगे, क्योंकि अब ये क्यारा खाली हो गया तो ट्रैक्टर चल सकता है। थोड़े दिन पहले इसको पानी दिया था तो यहाँ भीग गया था, तो ये थोड़ा सा रख दिया था, तो उसकी खुदाई की है। और गाजर का बीज इस साल थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था, और जितना डाला उतना उग भी गया, इस वजह से ये पतले हुए हैं अभी। अभी ये थोड़े दिन बाद बैठेंगे अच्छी तरह, बीज जितना चाहिए था उतना डाला, लेकिन उगा ज़्यादा इस साल, पूरा उग गया। वरना क्या, गाजर का बीज थोड़ा सा ऊपर रह जाता है, वो नहीं उगता।
और ज़्यादा गहराई पे चला जाता है वो भी नहीं निकलता। इस वजह से इस साल अच्छी तरह से उग गया। दो दिन में ये पूरा खेत हरा भरा हो जाएगा। वहां से करण आ रहा है ट्रैक्टर लेके रिवर्स में। अभी ये गाजर घर जाएंगे, उसकी मिट्टी हटाएंगे, इसमें जो मिट्टी लगी हुई होते है, और फिर बाद में शाम को ये गायों के खाने में यूज होंगे। अभी ये ट्रैक्टर से ही गाजर निकलेंगे, क्योंकि ट्रैक्टर चल सके इतनी जगह हो गई। तो अभी गाजर को ट्रैक्टर में भर लिया है और अभी घर पे लेके जा रहे हैं। आज ना गर्मी बहुत है, बहुत मतलब कि बहुत। मेरा मुंह पूरा पसीने से भीग गया है, नहाना पड़ेगा। पता नहीं अभी से गर्मी इतनी क्यों पड़ रही है, ना सर्दी है ना गर्मी है ना बारिश है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या चल रहा है। यहाँ पर है जटायु। तो अभी यहाँ पर देखो बारिश का मौसम हो गया है, बादल एकदम घने काले काले हो गए। आज सुबह भी बारिश आई थी, सुबह सुबह 8-8:30 बजे के बीच में, वापस 11 बजे ऐसे कुछ पे आई थी थोड़ी सी, वापिस आती थी ऐसे बादल हो गए यहाँ पर। ऊपर आ सकती है बारिश, इसलिए नुकसान ना हो। थोड़ा सा 3-4 रह गए ढकने, कि इतने कपड़े होते नहीं है कि इतना पूरे में सब अलग अलग ढक जाए। बारिश आएगी तो देखेंगे, बाकी ये हवा भी बहुत तेज चल रही है। ये बैंगन